जरा मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपना रुख दिखाया है और वो ये रुख जो है वो चर्चाओं में भी है। उन्होंने एक बार फिर से 14 फरवरी को अपनी रणनीति का खुलासा किया और कहा कि जो होगा आप उसी दिन देखिएगा, लेकिन प्रदेश को लेकर, सियासत को लेकर कुछ और भी कहा, जिसे इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। शराबबंदी पर फिर सियासत, उमा भारती ने फिर छेड़ा मुद्दा, 14 फरवरी को रणनीति का खुलासा। मैं शराब के खिलाफ हूँ, मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूँ। शिवराज जी हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, परम सतोगुणी चरित्र के व्यक्ति हैं, निजी जीवन में उनकी शुचिता साधु संतों जैसी है, वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति हैं। बीडी शर्मा भी इसी प्रकार से हैं। जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे, इसके बारे में मैं शिवराज जी से चर्चा करूंगी, लेकिन जिनको इस पे बोलना बोले, मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं। यूं तो उमा भारती एमपी की सक्रिय सियासत से सालों से दूर है, लेकिन उनका जरा सा इशारा भी सूबे की सियासत में बड़ा असर पैदा करता है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती लगातार सक्रिय रही है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी को वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तारीफ करने के अंदाज की है। जाहिर है कांग्रेस को भी बोलने का मौका तो मिल ही गया है। उमा भारती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं और यदि वो शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने की बात कह रही हैं, यह बात सही है कि तारीख पे तारीख दिए जा रही हैं, मगर उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो 14 फरवरी के बाद वो शराबबंदी को लेकर यदि इस प्रदेश में कुछ करती हैं तो इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद आदरणीय उमा दीदी के उस आंदोलन में शिरकत करूँगा। और उन्होंने यह भी कहा है आज कि शिवराज सिंह जी गृहस्थ होकर भी संत हैं, वीडी शर्मा जी भी संत हैं, उनके संगठन महामंत्री जी जो हैं वो संघ के प्रचारक हैं, तो ये संत और संघ के प्रचारकों के राज्य में शराब बिकवा कौन रहा है। उमा भारती लंबे समय से शराबबंदी की बात करती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी बयानबाजी ही हो रही है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने उस पर पलटवार करने में देरी नहीं की। और ये वही कांग्रेस है जो 15 माह की जब सरकार आई तो घर घर शराब, ऑनलाइन शराब वितरण की बात कर रही थी, और ये वही कांग्रेस है जो 15 माह की सरकार में महिलाओं के लिए बार खोलने की बात करती थी। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर फेंकने का काम नहीं करते। शिवराज जी ने कहा था कि एक भी शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी, एक भी नई दुकान नहीं खुली। उमा भारती जी वरिष्ठ नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, वो जो भी बात करेंगी मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, उस पर जो भी निर्णय होगा उसको साझा किया जाएगा। प्रदेश में सरकार नई शराब नीति की घोषणा कर चुकी है और शराब सस्ती होने के भी खूब चर्चे हैं। जाहिर है सरकार इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, लेकिन सियासत किसी और मूड में ही नजर आ रही है। उमा भारती साध्वी है और साध्वी के साथ राजनीति भी करती है, लेकिन बात शराब नीति की आती है तो फिर सवाल के साथ अपने ही नेताओं, चाहे बीडी शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, दोनों को संत भी बता देती है। लेकिन लगातार बदलती तारीख, लगातार शराब नीति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको क्या माना जाए, दबाव, प्रभाव या कुछ और? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और जिस तरह से राजनीति अपने अलग अलग रूप ले रही है, उससे यही समझ में आता है कि जो 14 तारीख को उमा भारती का आंदोलन है, जो बयान है, वहाँ कुछ नया सुनने को मिलेगा या फिर वहाँ भी इसी तरह के कुछ नए बयान सामने आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।